दोस्तों यार आज की वीडियो में बहुत सारी चीजें देखने वाला है, जैसे नेहा कक्कर और अभिजीत भट्टाचार्य के बीच में हो गई लड़ाई, उर्वशी रावटेला करना चाह रही है पॉलिटिक्स में चढ़ाई, और एक लड़की गलत ऑर्डर मिलने पर करना चाह रही है कमाई, और अपुन केडी इन सब की मिलके करेगा रिलाई। वैसे दोस्तों अपनी उर्वशी रावटेला, अपनी तो ऐसे बोल रहे हो यार जैसे मेरे चाचा की लड़की हो, बट जो भी हो उर्वशी रावटेला पॉलिटिक्स ज्वाइन करने वाली है। How much interest you have in politics also, like, you know, आप कितना फॉलो करते हो? I've already टिकट मिली है मुझे, so I have to make a decision if I want to be part of. सबसे पहले तो मैडम का फेक एक्सेंट के साथ आधा इंग्लिश। I've already टिकट मिली है मुझे। I have already टिकट मिली है मुझे। तो अभी डिसाइड करेंगे, लेकिन I don't know. I want to know in the comment section if I should join the politics or no. वाह, मतलब पॉलिटिक्स ज्वाइन करना है या नहीं, पॉलिटिक्स में जाना है या नहीं, ये मैडम कमेंट सेक्शन देखकर डिसाइड करेगी। I want to know in the comment section if... बाकी होगा तो पता नहीं, लेकिन मेरे तरफ से तुम्हारे कमेंट सेक्शन में बड़ा वाला, नहीं नहीं बहुत बड़ा वाला ना है। और बंदी कह रही है कि मेरे को टिकट मिली है। ऑलरेडी टिकट मिली है मुझे। अच्छा बहन, तेरे को तो IIT में सीट भी मिली थी ना, हाँ उसका क्या हुआ? IITN लिटरली, अगर इसको टिकट मिली ना तो सबसे पहले जाके बायो में लिखेगी फर्स्ट इंडियन हु रिसीव्ड अ पॉलिटिकल टिकट फ्रॉम कमेंट सेक्शन। ये तो होगा बहन, देख तेरे को बस दिल्ली कैपिटल के मैच का टिकट मिल सकता है, पॉलिटिक्स का नहीं। जब मैंने शुरुआत की थी लाइक 15 साल से, तो मुझे काफी सारे बॉलीवुड के ऑफर्स आए। अच्छा? हाँ जी। ओके। जब 15 साल से आई गिव मिस इंडिया, तो 15 की उम्र में 15 मूवी मिली वो की नहीं, और अभी 30 की उम्र में मूवी नहीं मिल रही, कोई सेंस है इस बात की? मतलब बंदी को न्यूयॉर्क में एडमिशन मिला, IIT में सीट मिली, लेकिन पढ़ाई फिर भी DU से किया। जो बचपन से ही लेकर चलते हैं कि हमको एक्ट्रेस ही बनना है, बचपन से जिनका रहता है, मेरे वैसा नहीं था। बिकॉज आई स्कोर 97% इन माई, आई वॉज अ हेड गर्ल ऑफ माई स्कूल, एंड देन डॉक्टर्स इंजीनियर्स पूरी फैमिली में। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। बहन तेरी मम्मी ब्यूटी पार्लर रन करती थी, और तेरे पापा का आयुर्वेदिक फार्मा से रिलेटेड कुछ बिजनेस है, तो इन सब के बीच में डॉक्टर इंजीनियर कहाँ से आ गए? बिकॉज आई स्कोर 97% इन माई, आई वॉज अ हेड गर्ल ऑफ माई स्कूल। किसी ने पूछा कि कितने परसेंट आए? नहीं ना, 97% एंड आई वॉज अ हेड गर्ल ऑफ माई स्कूल। आई वॉज अ हेड गर्ल ऑफ माई स्कूल। सर्टिफिकेट मांगूंगा तो सब बहाने निकल के आएंगे। हिम्मत मैं ना भाई, एक राखी सावंत के अलावा दो और राखी सावंत को जानता हूँ, एक ये गरीबों की राखी सावंत और एक ये अमीरों की राखी सावंत। I was a head girl of my school. कभी कभी ना मेरे को खुद पे गुस्सा आता है कि मैंने डम्बेस्ट सेलिब्रिटी का टैग आलिया भट्ट को दे रखा है, जबकि डम्बेस्ट तो ये है। टिकट मिली है मुझे। बट आई फाउंड समवन जो इन दोनों से ज्यादा डम्ब है। अ गर्ल जिसे रेस्टोरेंट से गलत ऑर्डर मिला, तो वो रेस्टोरेंट वालों से 50 लाख रुपए मांग रही। मैंने पनीर टिक्का सैंडविच ऑर्डर किया था, बिकॉज आई एम अ हेल्थ कॉन्शियस पर्सन, तो मैंने पनीर टिक्का ऑर्डर किया था, उसके बदले मुझे चिकन टिक्का सर्व किया गया है। अच्छा माना यार तेरे साथ बुरा हुआ क्योंकि तू वेजिटेरियन है शायद, बट मेन लॉस तो यार रेस्टोरेंट वाले का हुआ जिसने पनीर के प्राइस में तेरे को चिकन भेज दिया। तो मैंने 50 लाख का आई हैव आस्क्ड फॉर अ कॉम्पनसेशन, व्हिच इज आल्सो नॉट इनफ फॉर द इंसिडेंट दैट आई हैव फेस्ड। तेरी ये मुस्कान की चमकान बता रही है कि तू इंसिडेंट के नाम पे हुतियापे का मकान बनाना चाह रही है। यार मैंने बहुत सारे लोगों को भीख मांगते हुए देखा है, लेकिन इतने जोर से इतने कैजुअली आज तक किसी को भीख मांगते हुए नहीं देखा। 50 लाख का आई हैव आस्क्ड फॉर अ कॉम्पनसेशन। बंदी को पता है कि ये केस वेस का ड्रामा करके या तो ओवरनाइट अमीर बनेगी या फिर फेमस, और दोनों में फायदा है। This is business. और बंदी कह रही है मैं तो हेल्थ कॉन्शियस हूँ। मैंने पनीर टिक्का सैंडविच ऑर्डर किया था, बिकॉज आई एम अ हेल्थ कॉन्शियस पर्सन। हेल्थ कॉन्शियस बहन, तेरी ये आंखों का डार्क सर्कल ना ब्लैक होल से ज्यादा डार्क है, तू हेल्थ कॉन्शियस नहीं मनी कॉन्शियस है। हमको पैसा चाहिए। और कितने बेशर्मी से कह रही है कि 50 लाख इज नॉट इवन जस्टिफाइड। तो मैंने 50 लाख का आई हैव आस्क्ड फॉर अ कॉम्पनसेशन, व्हिच इज आल्सो नॉट इनफ फॉर द इंसिडेंट दैट आई हैव फेस्ड। आई कुड हैव आस्क्ड फॉर 50 करोड़। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? 50 करोड़ भाई, मेरे को बस ये जानना है कि कोई 2 रुपीज का चेहरा लेकर 50 लाख कैसे डिमांड कर सकता है। खाना खा के बीमार हो जाती, हॉस्पिटलाइज हो जाती, डायरिया हो जाता, बवासीर हो जाता, तब मैं मानता कि यार जस्टिफाइड है। पक्का बता रहा हूँ, इसने पहली बार चिकन खाने के बाद भी कहा होगा It's yummy as fuck.
मैं भाई अगर रेस्टोरेंट का ऑनर होता ना तो ये सुनने के बाद पनीर रोल के जगह पर गू रोल भेजता। लिटरली बंदी अंग्रेजी में भीख मांग रही। But it's still not enough. I could have asked for 50 crores. कुछ तरीका है भीख मांगने का? एक्चुअली ज्यादा अंतर नहीं है, अभी रेस्टोरेंट वाले से पैसे मांग रही है। शादी के बाद जब पति पैसे नहीं देगा तो उससे तलाक के नाम पे 50% प्रॉपर्टी मांगेगी। This is business. ऐसे लोगों को देखकर पता चलता है यार कि बेरोजगारी कितनी बड़ी बीमारी है। मैं गरीब हूँ। बाय द वे बीमारी से याद आया मलाइका अरोड़ा, जिसको शर्म नहीं है बिल्कुल भी थोड़ा, जो अपने ही बेटे से ऐसे क्वेश्चन पूछ रही। When did you lose your virginity? Wow. Wow नहीं, how? एक माँ अपने बेटे से पूरे पब्लिक के सामने ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकती है। मैं जब अपने पेरेंट्स के साथ बैठता हूँ और टीवी चालू होता है तो वहाँ पर अगर कोई वल्गर एड या फिर कोई रोमांटिक सीन भी आ जाता है, भाई मैं घबरा जाता हूँ, सोच नहीं पाता हूँ कि करूँ क्या। और इनका खुलेआम चल रहा। When did you lose your virginity? ये acceptable नहीं है। जनरली माँ भोली होती है पर ये बकलोली है। जनरली माँ प्यारी होती है पर ये दुष्ट नारी है। माँ बेटे का रिश्ता एकदम प्यारा लगता है लेकिन इनका बेचारा लग रहा। You have a close friend group. They come to the house often. They've been your same sort of friends for many years now. यार I just wanna know कि इसका गला खराब है या फिर इसका साउंड ही ऐसा है। They come to the house often. वैसे यार खराब गले के बारे में बात कौन कर रहा है जिसका खुद का गला हमेशा खराब रहता है। Have you ever stolen anything from me? You have the money basket with chutta in there. And in trying times I do steal couple hundred bucks. Wow, मतलब they're like रुपीस को बक्स बोल देता हूँ, बड़ा कूल लगूंगा। Couple hundred bucks. So called stupid Gen Z boy. Anyway, let's talk about Neha Kakkar. तो नेहा कक्कर और अभिजीत भट्टाचार्य के बीच में लड़ाई हो गई। आपकी औकात बन जाए, आप किसी चीज को रिफ्यूज कर दो। अभिजीत सर का कहना कि शादी में पैसा लेकर मत गाओ। ये पैसा दिया और शादी में गाने लगे वो उसमें औकात कम हो जाती। नेहा का कहना है कि नहीं नहीं, हम शादी में पैसे लेके गा सकते हैं। गाना तो कोई छोटी बड़ी बात नहीं होती है, शादी में गाना भी कोई बुरी बात नहीं है। फिर इस पे अपने अभिजीत चाचा भड़क गए। 1 करोड़ रुपए में गाना और 1 करोड़ रुपए को ठुकराने में, दोनों में बहुत फर्क है। अच्छा ये भी ठीक था लेकिन इसके बाद द थिंग डैड चाचा सेड डैड वाज टू मच। तो मैं टीवी पे आने भी नहीं दूंगी। तो नहीं आएगा लेकिन ईडी पे आएगा। वाइट में काम होता है, टैक्स भरते हैं तो फिर ईडी पे क्यों आए। चाचा की जेलसी कोरोना वायरस की तरह यहाँ वहाँ सब जगह फैल रही है। सी इट्स योर चॉइस, तुम शादी में गाओ, मैयत में गाओ, पैसे लेके गाओ या फिर फ्री में, कुछ गलत नहीं है। गलत है सामने वाले के चॉइस की डिसरिस्पेक्ट करना। चाचा एकदम जेलस हो रहे कि यार उसको सब बुला रहे मेरे को नहीं बुला रहे, उसको पैसे दे रहे मेरे को नहीं दे रहे, जबकि चाचा खुद पहले स्कूल फंक्शंस में पैसे लेके ऐसे डांस करते हुए परफॉर्म करते थे। अभिजीत चाचा बार बार लफड़ा कर रहा है और 1 करोड़ रुपए को ठुकराने में, दोनों में बहुत फर्क है। देखो चाचा ऐसे लफड़ा मत करो वरना आगे चल के सिंगिंग शो के जगह पर बिग बॉस से ऑफर आएगा, क्योंकि उनको चाहिए ही लफड़ा करने वाला। इवन आई डोंट लाइक नेहा कक्कर सॉन्ग, इसके गाने सुनने से अच्छा मैं ढिंचैक पूजा का सॉन्ग सुन लूं। वो चाचा का हाय हाय होय होय सुन लूं। हाय हाय होय होय, हाय हाय होय होय। बट स्टिल दिस टाइम आई एम विथ नेहा कक्कर। उसकी मर्जी वो शादी में कांटा लगा उइमा गाए या फिर मैयत में आह आह ऊ ऊ। माना कि नेहा कक्कर बात बात पे रोती है, अजीबो गरीब हरकतें करती है, काला काला करते हुए दिमाग का नारा कर देती है, बट स्टिल दिस टाइम वो सही है। साला सही बोल के भी मैं बार बार उसी को रोस्ट कर रहा। एनीवेज यार तुम ये वाला वीडियो देखो जहाँ पर मैंने बताया कि कैसे कुछ लोग फेक हिंदू बन के इंटरनेट पे तुम्हारा काट रहे हैं। बाकी मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करो, बाकी के चैनल को सब्सक्राइब कर लो और क्या, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।